हेलो एवरीवन, आज हम अपना नया टॉपिक लेते हैं जो कि है प्लांट हार्मोन्स या पादप हार्मोन्स। पादप हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि समन्वय एंड नियंत्रण, जिसमें हम ह्यूमन में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ चुके थे, जिसमें हमने न्यूरॉन्स पढ़ा था और क्या पढ़ा था, ब्रेन्स के बारे में पढ़ा था। अब जो अगला टॉपिक है हमारे पास वह है पादपों में समन्वय, यानी प्लांट में कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है। तो प्लांट में कोऑर्डिनेशन जो होता है उसके हार्मोन्स के बेस पे होता है। प्लांट में कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि प्लांट में जो है कब ग्रोथ होनी है, कब उसको उसके क्या है उसकी जो लीफ है उससे अलग करना है, कब उसकी सीड को डोरमेंसी में जाना है। तो ये क्या है प्लांट का कोऑर्डिनेशन की उसमें जो उसका काम है वो कब कब होगा, तो उसको कोऑर्डिनेट करने का जो काम करता है वो करते हैं प्लांट हार्मोन्स। तो हार्मोन्स की बात अगर हम करें कि हार्मोन्स होता क्या है, हार्मोन की बात करें तो ये क्या है, एक प्रकार के क्या है, ये केमिकल है, यानी कि एक प्रकार क्या है, ये रसायन है। ठीक है, जो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, जो प्लांट में ही प्रोड्यूस होते हैं, प्लांट के अलग अलग भाग में। इसकी दूसरी विशेषता ये है कि जो हार्मोन है इनका सिंथेसिस होने की जगह और जहाँ पे ये काम करते हैं, यानी कि इनके परफॉर्म करने की अटैक करने की जो जगह होती है, दोनों अलग अलग। बोलने का मतलब है कि अगर इस सेल में ये क्या हो रहे सिंथेसिस हो रहे हैं तो कहीं ट्रैवल करके दूसरे सेल में जाते हैं और इस सेल में ये क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। तो मतलब इनका जो क्या होता है, इनका जो संश्लेषण होने की जगह और कार्य करने की जगह है वो दोनों अलग अलग होती हैं, यानी कि इनके संश्लेषण का जो क्षेत्र है, संश्लेषण क्षेत्र और इनका जो क्या है कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है वो दोनों क्या होते हैं, दोनों अलग होते हैं, दोनों अलग होते हैं। यानी कि ये अलग सेल पे तो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। संश्लेषण होना मतलब बनना, बनना यानी प्रोड्यूस होना। ये किसी दूसरी सेल में बनते हैं, फिर ट्रैवल करके दूसरी जगह पे जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, उनका जो कार्य होता है उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये हार्मोन्स के बारे में, एक्चुअली हार्मोन्स होता क्या है, एक प्रकार के केमिकल हैं जिनको प्रोड्यूस क्या करती हैं, प्लांट की बात हो रही तो प्लांट बॉडी उसको प्रोड्यूस करती है, और इसका तो सिंथेसाइज होने यानी संश्लेषण होने और कार्य करने की जगह जो अलग 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 होती है। पादप हार्मोन्स की बात करें, अगर पादप हार्मोन की बात करें तो ये जनरली दो दो प्रकार के होते हैं। किस बेस पे, इनके कार्य करने की जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसके आधार पर इसके दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक होते हैं आपके वृद्धि हार्मोन और जो दूसरा होता है वो होते हैं आपके सदमन हार्मोन। सदमन वृद्धि हार्मोन मतलब जो कि प्लांट में ग्रोथ कराएंगे अलग अलग जगह पे। सदमन का मतलब होता है रोकना, इनहेबिटरी भी बोलते हैं, इनहेबिटरी हार्मोन या सदमन हार्मोन जो क्या है प्लांट की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। तो ये मेन दो प्रकार के होते हैं, जिस कौन कौन से ग्रोथ हार्मोन्स और सदमन हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स में जो है आपके मेन तीन हार्मोन्स आते हैं, जिसमें आपका आता है आपका ऑक्सिन आता है, जिब्रेलिन आता है, साइटोकानिन आता है। सदमन या इनहेबिटरी हार्मोन्स में आते दो मेन आते हैं आपके, आते हैं एब्सेसिक एसिड और दूसरा जो है आपका इथिलीन आते हैं। तो इसके बारे में डिटेल देखते हैं कि ये हार्मोन्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करते हैं। तो पहला जो टाइप है वो था आपका वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन्स की बात करें तो वृद्धि हार्मोन्स में जो आपका पहला हार्मोन्स है वो है आपका ऑक्सिन। क्या है? ऑक्सिन। इस ऑक्सिन जो ये लैटिन सबसे लिया गया है, इसका अर्थ ही होता है बढ़ना। ठीक है, ऑक्सिन ये तो क्या है, हार्मोन्स। तो ये दूसरे है कि ये कहाँ बनता है, इसका संश्लेषण का क्षेत्र कौन सा है, संश्लेषण क्षेत्र कौन सा है, संश्लेषण क्षेत्र कौन था। उसके बाद बात करते हैं कि इसका कार्य क्या है। तो हार्मोन की बात करें तो मतलब वृद्धि हार्मोन्स का नाम क्या है, इसका संश्लेषण क्षेत्र क्या है और इसके कार्य क्या है। तो पहला हार्मोन है आपका ऑक्सिन। ऑक्सिन की बात करें, ये कहाँ पाया जाता है, यहाँ कहाँ पर बनता है, तो इसके बनने या कहाँ पाए जाने की जो बात है वो होती है आपके जो प्लांट के जो उसका अपर रीजन है और लोअर रीजन, यानी कि जो रूट है या आपका सूट वाला पार्ट है या उसका तना है या जड़ है, उसके जो अग्रभाग होते हैं, अपिकल रीजन होते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। यानी कि ये जड़ एवं तना, जड़ एवं तने के,
तने के अग्र भाग में पाए जाते हैं, अग्र भाग या शिखाग्र भाग में पाए जाते हैं। काम क्या होता है इसका, जो कार्य है वो है प्लांट की लंबाई में वृद्धि करना, यानी पौधे की क्या करना, लंबाई में वृद्धि करना, वृद्धि करना। तो पहला हार्मोन था आपका ऑक्सिन था, जो कहां पाया जाता है, जड़ एंड तना के अग्र भाग में पाया जाता है। इसका जो मेन काम है वो है पौधे की लंबाई में वृद्धि करना। इसके अलावा जो दूसरा हार्मोन, दूसरा जो ग्रोथ हार्मोन से वृद्धि हार्मोन से, वो है आपका जिब्रेलिन। क्या है? जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की बात करें तो जिब्रेलिन की बात करें तो इसका जो कार्य होता है, ये जो भले बनता कहाँ, इसके बनने की बात करें तो ये विकसित हो रहे जो फल या बीज होते हैं उसमें पाए जाते, विकसित हो रहे फल और बीजों में पाए जाते हैं। जब प्लांट ग्रोथ करता है उसमें फल आना शुरू होता है, तो वो फल जब बन रहा होता है और उसके अंदर जो बीज बन रहे थे उस समय जो है उनमें जो होता है ये जिब्रेलिन की मात्रा पाई जाती है, जिब्रेलिन सिंथेसाइज होता है। उसके अलावा जो नई पैदा हुई क्या होती है, पत्तियां होती, नई पैदा पत्तियां, पैदा हुई जो पत्तियां होती हैं उनमें पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। जो पुरानी ओल्ड पत्तियां हो, जो फुली डेवलप पत्तियां, उनमें नहीं। जो क्या होती है आपके एपिकल रीजन के पास जो क्या होती है उसमें लीफ निकल के आती, जो नई पत्तियां बनती हैं उन पत्तियों में जो क्या होता है आपका जिब्रेलिन जो है सिंथेसाइज होता है। जिब्रेलिन का काम क्या है, जिब्रेलिन का जो मुख्य काम है वो है बीज के अंकुरण को, बीज को अंकुरित करना। हम देखते हैं जैसे कि अगर हम दालों की बात करें तो दालों को हम पूरे साल भरे कई सालों तक क्या रख सकते हैं, उसे स्टोर कर सकते हैं। कैसे, उसमें अंकुरण नहीं आता है, यानी कि उसकी क्या होती है वो अपने डोरमेंसी पीरियड में रहता है, मतलब उस समय क्या होता है उसमें जिब्रेलिन की मात्रा को हम कम कर देते हैं या उसमें जिब्रेलिन हार्मोन्स क्या होता है प्रोड्यूस नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है वो अंकुरित नहीं होता है। तो जिब्रेलिन का जो पहला काम है वो है बीजों को अंकुरित कराना, बीजों के अंकुरण में। इसका जो पहला कार्य है वो है बीजों को अंकुरण करना। बीजों को अंकुरण करना मतलब वो क्या हो गई, अपने डोरमेंसी पीरियड से बाहर आ गई, यानी कि इसी से इसका दूसरा काम क्या निकला, यानी इसकी डोरमेंसी को तोड़ना, किसी भी बीज की डोरमेंसी को तोड़ना, डोरमेंसी को तोड़ने। पहला तो काम है उसका क्या, अंकुरण के लिए, दूसरा डोरमेंसी को तोड़ना। डोरमेंसी को जो हिंदी में है वो सुप्तावस्था कहते हैं, सुसुप्तावस्था कहा जाता है, सुसुप्तावस्था। यानी कि जो जिब्रेलिन है उसका पहला काम है बीजों के अंकुरण के लिए, दूसरा काम है उसकी डोरमेंसी को तोड़ना, तीसरा जो मेन काम है, तीसरा जो मुख्य कामों में से आता है वो है तने की वृद्धि करना, तने की वृद्धि करना। पौधे की ओवरऑल वृद्धि के लिए तो क्या था आपका ऑक्सिन हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जब पौधा क्या वो कहाँ पे काम करता है, अग्र भागों पे काम, उसके अग्र भाग को लेकर क्या करता है वृद्धि करता है, उसका बीज का जो तने वाला हिस्सा होता है उसकी वृद्धि में जो आपका जिब्रेलिन का भी मुख्य काम होता है। इसके बाद जो अगला हार्मोन आता है वो है आपका साइटोकाइनिन। तो ये तीनों क्या थे आपके, ग्रोथ हार्मोन थे। साइटो मतलब सेल और काइनिन का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि जब एक सेल है, एक सेल डिवीजन करके क्या करेगी, दो सेल बनाएगी, दो से क्या बनेगी, फिर चार सेल बनेगी, यानी कि सेल के नंबर में वृद्धि हो रही है। तो ये कहाँ पाया जाता है, साइटोकाइनिन जो हार्मोन्स का मुख्य काम है, ये इसका काम है आपका कोशिका विभाजन में, जहाँ पे कोशिका क्या होती है जल्दी जल्दी विभाजित होते हैं, वहाँ पे जो होता है आपके साइटोकाइनिन हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो यानी कि कोशिका का हमें, कोशिका प्लांट में अगर हम देखें कोशिका की ज़्यादा संख्या हमें कहाँ पर दिखाई देते हैं, यानी कोशिका का हमें गुच्छा कहाँ पर दिखाई देता है, जैसे कि हमें कहाँ दिखाई देता है, फलों में दिखाई देता है। तो ये फलों में और
बीजों में जो है इसकी सांद्रता अधिक पाई जाती है, यानी इसकी मात्रा जो है फलों और बीजों में इसकी मात्रा अधिक पाई जाता है, और इसका काम क्या है, कोशिका का विभाजन करना। तो ये तो बात होगी आपकी ग्रोथ हार्मोन। मैंने बोला हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स तो दो कैटेगरी, बड़ी बड़ी दो कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें से एक जो होता है आपका वृद्धि हार्मोन्स है, दूसरा जो है आपका सद्मन हार्मोन्स है, सद्मन या इनहेबिटरी या रोकने वाला हार्मोन्स है। वृद्धि हार्मोन्स को अगेन तीन भागों में बांटा गया है, तीन टाइप के वृद्धि हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन होता है। ऑक्सिन का जो मेन काम है वो लंबाई में वृद्धि कराना, साइटोकिनिन भी वृद्धि कराता है, तने की वृद्धि कराता है, यानी ऑक्सिन के साथ अगर प्लांट की ग्रोथ की बात करें तो साइटोकिनिन की भी इंपॉर्टेंट रोल होता है साथ में, जिब्रेलिन का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है साथ में, साइटोकिनिन का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी कि प्लांट वृद्धि कब करेगी, जब उसके कोशिका की संख्या बढ़ेगी। कोशिका की संख्या बढ़ने के लिए कोशिका डिवीजन होना जरूरी है, और उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन था, साइटो हार्मोन्स होता है। मैंने ओवरऑल अगर कोशिका की वृद्धि देखना, तीनों हार्मोन्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा जो दूसरा टाइप है वो है इसका सद्मन हार्मोन्स या इनहेबिटरी हार्मोन्स। इसका अगला टाइप देखते हैं जो है आपका सद्मन हार्मोन। सद्मन हार्मोन की बात करें तो ये क्या होता है, दो टाइप का होता है, जिसमें पहला है आपका अब्सेसिक एसिड, अब्सेसिक अम्ल, अब्सेसिक अम्ल इसके सिंथेसिस यानी संश्लेषण के क्षेत्र की बात करें, इसके संश्लेषण क्षेत्र कहाँ पे बनता है, और दूसरा इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है। अगर हम इसके संश्लेषण क्षेत्र की बात करें तो ये जो हमारा वेस्कुलर टिश्यू में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, वेस्कुलर टिश्यू में पाया जाता है, वेस्कुलर टिश्यू, इसको बोला जाता है आपका संवहक ऊतक, संवहन ऊतक, वेस्कुलर टिश्यू या संवहन ऊतक में पाया जाता है। जैसे संवहन ऊतक क्या होता है, आपके जाइलम हो गया और आपका फ्लोयम हो गया, आपका जाइलम और फ्लोयम, यानी कि जो आपका एब्सेसिक एसिड पाया जाता है, जो सिंथेसाइज होता है आपके जाइलम फ्लोयम या वेस्कुलर टिश्यू में सिंथेसाइज होता है, उसके बाद यहाँ से ट्रेवल करके ये दूसरी सेल्स में जाता है, जहाँ पर इसको क्या करना होता है, अपना काम करना होता है। काम की बात करें तो इसका मुख्य काम क्या है, ये जो है जहाँ पहले वाले हार्मोन से ऑक्सिन हो गया पौधे की वृद्धि कराता है, ये पौधे की वृद्धि को रोकता है, यानी कि ये क्या होते पादप वृद्धि को रोकता है, पादप वृद्धि को रोकता है, ठीक है। जहां एब्सेसिक एसिड क्या कर रहा था, पादप वृद्धि कर रहा था, वही सॉरी ऑक्सिन पादप वृद्धि कर रहा था, वही एब्सेसिक एसिड पादप की वृद्धि को रोकता है। दूसरा इसका जो काम है वो ये है कि ये डोरमेंसी को बढ़ाता है, डोरमेंसी को बढ़ाता है, डोरमेंसी को बढ़ाने का मतलब है जैसे कि माना ये बीज है तो इस बीज में क्या अंकुरण ही नहीं होने देता है, ये लंबे टाइम तक इसको इसी अवस्था में पड़ा रहना चाहता है, यानी कि ये सुसुप्तावस्था को जो अवस्था है उसको क्या कर देता है, लंबी कर देता है, सुसुप्तावस्था को बढ़ा देता है या उसको लंबी कर देता है। दूसरा इसके अलावा एक दूसरा तीसरा जो अगर इसके कार्य की बात करें, ये पत्तियों के मुरझाने में पत्तियों को मुरझा देता है, पत्तियों के जो मुरझाने का कार्य करता है, पत्तियों के मुरझाने में जो मेन हाथ जो मेन फंक्शन होता है वो किसका होता है, अब्सेसिक एसिड का होता है। दूसरा पत्तियों को जो है पत्तियों को बूढ़ा कर देता है, यानी जरायमन अवस्था को उसके क्या होता है, जल्दी कर देता है, उसको जल्दी जल्दी क्या होता है, उसको मेच्योर करता है और जल्दी जल्दी उसको बूढ़ा कर देता है, यानी उसको मुरझा देता है। मुरझाने से क्या होंगे, वो प्लांट से रिमूव हो जाएंगे, प्लांट से निकल जाएंगे। एक और पॉइंट यहीं पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर जो आपका एब्सेसिक एसिड है ये क्या कर रहा है, आपका ये डोरमेंसी को बढ़ा रहा है, डोरमेंसी को बढ़ा रहा है। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जिब्रेलिन पढ़ा था, ग्रोथ हार्मोन हमने पढ़ा था, जिब्रेलिन पढ़ा था, और जिब्रेलिन क्या काम कर रहा था, जिब्रेलिन जो काम कर रहा था ये डोरमेंसी को तोड़ रहा था, जिब्रेलिन जो काम कर रहा था वो डोरमेंसी को तोड़ रहा था, डोरमेंसी
डोरमेंसी को क्या कर रहा था, तोड़ रहा था या सुसुप्ता अवस्था को क्या कर रहा था, खत्म कर रहा था। तो ये दोनों देख रहे हैं कि एब्सेसिक एसिड और जिब्रेलिन जो है एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के उल्टा काम कर रहे हैं, जिब्रेलिन और एब्सेसिक एसिड, एब्सेसिक अम्ल जो है ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, उल्टे काम कर रहे हैं। और एक जब ये दूसरे के उल्टे काम करते हैं तो बोला जाता है कि जो जिब्रेलिन और एब्सेसिक एसिड है ये एक दूसरे के हैं एंटागोनिटिकल है, एंटागोनियल है, ये एक दूसरे के क्या होता है एंटागोन, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। जहाँ जिब्रेलिन क्या होता है डोरमेंसी को तोड़ता है, वहीं एब्सेसिक एसिड क्या है उसकी डोरमेंसी को खत्म कर देता है। तो ये तो बात होगी आपकी जिब्रेलिन। इसके अलावा एक और हार्मोन्स आता है जिसको हम इनहेबिटरी हार्मोन्स में काउंट करते हैं, वो है आपका एथिलीन हार्मोन। हिंदी इंग्लिश दोनों में एथिलीन ही कहा जाता है। तो दूसरा जो हार्मोन्स है एथिलीन हार्मोन्स, ये कहाँ पाया जाता है, ऑल पार्ट, सभी जगह पाया जाता है, सभी पौधे के सभी भागों में पाया जाता है। और इसका जो काम है वो होता है फलों को पकाना। तो ये हो गया आपके इनहेबिटरी हार्मोन। जैसे कि आपने देखा होगा अगर फ्रूट की टोकरी में कोई एक फल खराब है तो जल्दी से क्या और फ्रूट भी खराब होने लग जाते हैं। क्यों, कारण ये होता है कि जब फल पकने लग जाता है, खराब होने, मतलब वो उसमें बहुत ज़्यादा पक गया है, उसके एंजाइम्स क्या है बहुत ज़्यादा वर्क करने लगे, तो उसमें क्या होता है एथिलीन हार्मोन्स निकलता है। और वो हार्मोन्स क्या है दूसरे फ्रूट में जाकर भी उनके जो पकने की प्रोसेस है या उनके जो पकने के बाद ख़राब होने की प्रोसेस है उसको क्या कर देता है, तेज़ कर देता है। तो ये हो गया आपके प्लांट हार्मोन जो 5 थे, जिसमें से क्या 3 ग्रोथ हार्मोन्स थे, 2 क्या थे सदमन हार्मोन्स थे। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जिब्रेलिन और एब्सेसिक एसिड को एक दूसरे का एंटागोनिटिकली हार्मोन्स कहा जाता है और बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये तो बात होगी आपके प्लांट हार्मोन्स की। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और है जो अलग से नहीं है, इसी में बता देते हैं, वो है पादपों में गति। अगर हम पादपों की गति की बात देखें तो पादपों में 2 तरह की गति पाई जाती है। एक कैसी गति, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तो जाते नहीं है, उसमें क्या अपनी ही जगह में मूवमेंट होती है, कैसे, एक तो उनमें क्या होती है पादपों में क्या होती है वृद्धि युक्त गति हो गई, दूसरी जो गति होती है वो क्या होती है वृद्धि मुक्त होती। यानी कि जब प्लांट क्या है छोटा है, अब यहाँ से क्या है ये प्लांट क्या हो गया बड़ा हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है इतनी इसमें क्या होगी गति हुई है, मूवमेंट हुई है। तो एक तो क्या जब प्लांट में क्या वृद्धि होती है तो उस समय क्या होती है उसमें मूवमेंट होती है या गति होती है, दूसरे क्या होती है वृद्धि से मुक्त, उसमें वृद्धि तो नहीं हो रही लेकिन फिर भी उसमें गति होती है। जैसे कि आपने देखा होगा छुई मुई का जो पादप होता है जैसे ही उसको क्या करते हैं टच करते हैं वैसे ही क्या होता है वो सिकुड़ जाता है, उसकी मूवमेंट हो जाता है। अगर उसने जब वो नॉर्मल कंडीशन में इतना स्पेस घेरा होता है वो सिकुड़ के क्या हो जाता है छोटा हो जाता है। तो इसमें 2 तरह की गति पाई जाती है, एक तो क्या है वृद्धि युक्त होती है, दूसरे वृद्धि से मुक्त होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो छुई मुई का प्लांट होता है उसमें गति कैसे पाई जाती है, वृद्धि मुक्त गति पाई जाती है। जैसे हम छुई मुई के प्लांट को क्या करते हैं टच करते हैं वैसी ही वो क्या कर लेते हैं अपने आप को सिकुड़ लेते हैं। इसलिए बोला जाता है जो छुई मुई के प्लांट में मूवमेंट होती है या गति होती है उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, उस मूवमेंट को जो कहा जाता है वो कहा जाता है सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि छुई मुई के प्लांट में किस प्रकार का मूवमेंट पाया जाता है, किस प्रकार की गति पाई जाती है, तो उसे बोलते हैं सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट पाया जाता है छुई मुई के प्लांट में। इसके अलावा जो बात करते हैं वो ये है कि जो प्लांट में गति होती है वो किसके अकॉर्डिंग है। प्लांट में गति जो है मेनली 2 टाइप की देखी गई है, एक तो है आपकी गति यानी दिशा के अनुसार या अनुवर्तन गति, दूसरी है आपका रसायन अनुवर्तन गति। दिशा गति यानी दिशा के अनुवर्तन, ये जो गति होती है ये उद्दीपन के अकॉर्डिंग होती है, उद्दीपन पे डिपेंड होती है। उद्दीपन क्या हो सकता है प्लांट के लिए जो उद्दीपन होता है या तो क्या होता है प्रकाश होता है, दूसरा क्या होता है गुरुत्वाकर्षण होता है।
तो जो दिशा क्या अनुवर्तन गति है वो उद्दीपन पे डिपेंड करती है। उद्दीपन दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो प्रकाश होता है या गुरुत्वाकर्षण। जैसे प्रकाश की बात करें तो तना जो होता है प्रकाश, तना जो है प्रकाश की दिशा में, प्रकाश की दिशा में क्या करता है, गति करता है। और जड़ जो होती है, जड़ जो होती है उसकी दिशा के उल्टी दिशा में क्या करती है, गति करती है। वहीं अगर गुरुत्वाकर्षण उद्दीपन के लिए देखें तो जड़ क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में काम करती है, जबकि तना क्या होता है, उसके विपरीत दिशा में काम करता है, विपरीत दिशा में काम करते हैं। तो इस तरह से जो एक मूवमेंट देखा जाता है प्लांट में, वो देखा जाता है उसके दिशा या उद्दीपन के अकॉर्डिंग। दूसरा जो होता है रसायन अनुवर्तन, यानी रसायन इसी केमिकल की वजह से आता है। इस प्रकार का जो गति पाई जाती है वो पाई जाती है पराग नली में। पराग नली जब क्या करती है, बीजांड की ओर जाती है, बीजांड की ओर जाती है, या जब क्या जाती है ओवरी की तरफ, ओवरी की तरफ क्या मूवमेंट करता है, तो उस समय जो गति पाई जाती है वो पाई जाती है रसायन। जब पराग नली जो होता है आपके, जब परागकण क्या होता है स्टिग्मा पे गिरता है और वहां पे क्या होता है उसमें पराग नली निकलती है। ओवरी एक विशेष प्रकार का क्या करती है, केमिकल रिलीज करती है, जिसके कारण क्या होता है उसे पराग नली जो उस परागकण से बनती है निकलती है और क्या होती है ओवरी की ओर मूवमेंट करना शुरू करती है। ये दोनों जो गति होती है, ये दोनों जो मूवमेंट है, ये क्या है, बहुत ही धीमी गति से होती है, धीमी गति से होती है, बहुत आराम आराम से। आपने देखा होगा प्लांट जब बीज का अंकुरण होता है और प्लांट बढ़ना शुरू करता है, वो दिशा के अनुसार गति करता है, तो बहुत टाइम लेके, बहुत टाइम लगता है उसमें। इसी तरह पराग नली से परागण बनने में या बीजांड तक पराग नली के पहुंचने में, उसने में भी काफी टाइम लगता है। यानी ये दोनों जो गति होती है बहुत धीमी गति होती है। वहीं विद्युत आवेग जो गति होती है ये क्या है, बहुत ही तीव्र गति है, तीव्र गति है। अब बात ये है कि जब ये तीव्र गति, यानी कि अगर विद्युत आवेग के थ्रू अगर प्राग नली को पहुंचना होता है, जैसे ही प्रागकण पहुंचा और ओवरी से मैसेज आता है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो तुरंत प्राग नली निकलती है और जो क्या है न्यूक्लियस है या जो मेल गैमेट है वो डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, ओवरी में चला जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, इसी तरह इसकी ग्रोथ में भी बहुत टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी प्लांट में ये दोनों गतियाँ होती हैं, विद्युत आवेग नहीं होता है। कारण ये है, एक तो जो सेल होती है ये कंटिन्यू सतत रूप से क्या नहीं कर सकती है, विद्युत आवेग को ना तो पैदा कर सकती है, जनित कर सकती है, ना है उसे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकती है। तो एक तो ये कारण होंगे कि जो सेल हो कंटिन्यू ये काम नहीं कर सकती है। एक बार कोई सेल क्या विद्युत आवेग उत्पन्न करती है, दोबारा उसे विद्युत आवेग को उत्पन्न करने के लिए क्या टाइम लगता है, बीच में वो कुछ रेस्ट लेती है, फिर जाके उसमें दोबारा क्या होते हैं विद्युत आवेग उत्पन्न हो सकता है। दूसरा काम है विद्युत आवेग के लिए जो है इसके लिए तंत्रिका तंत्र की जरूरत होती है, तंत्रिका तंत्र की जरूरत होती है। और प्लांट में क्या है किसी भी प्रकार का तंत्रिका तंत्र तो पाया नहीं जाता, तो प्लांट में क्या है इस तरह का मूवमेंट पाया ही नहीं जा सकता। ये जो पाया जाता है विद्युत आवेग ये क्या कहाँ पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है, सारे सेल्स में नहीं पाया जाता, कुछ सेल में पाया जाता है। दूसरी बात, अगर तंत्रिका तंत्र प्रजेंट भी हो तो ये क्या होता है तंत्रिका तंत्र सभी कोशिकाओं तक नहीं होता, ये केवल तंत्रिका तंत्र क्या है आपकी सरफेस की जो कोशिकाएं हैं उन्हीं तक पहुंच पाता है, बीच वाली कोशिकाओं में नहीं पहुंचती। इसलिए जो विद्युत आवेग है वो एक तो सभी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता, कंटिन्यूस क्या नहीं हो सकता है, उसका जनित नहीं होता, वो उत्पन्न नहीं होता, कंटिन्यूस का ट्रैवल नहीं करा सकते हैं, और दूसरा उसका तंत्रिका तंत्र का होना जरूरी है। तो इसलिए है जो प्लांट होते हैं प्लांट में मेनली ये दो गतियाँ ही पाई जाती हैं, एनिमल्स में ये तीसरी गति भी पाई जाती। तो इस तरह से आज जो था हमारा प्लांट हार्मोन्स था, प्लांट हार्मोन्स में हमने हार्मोन्स के नाम देखे, मेन काम देखा कि उसका जो मेन काम है वो क्या है। इसके अलावा जो अगला लेक्चर आएगा उसमें जो है हम प्लांट हार्मोन्स एक एक हार्मोन्स को देखेंगे, जैसे ऑक्सीजन देखेंगे उसको डिटेल स्टडी करेंगे कि नेचुरल क्या है, सिंथेसिस ऑक्सीजन क्या है, कहाँ कहाँ वर्क होता है, कैसे कैसे वर्क करता है, ग्रोथ में तो करता है लेकिन हम अपने जो डेली रूटीन है या अपने जो आवश्यकता के अनुसार हम उसे कैसे कैसे यूज करते हैं। तो प्रत्येक एक हार्मोन्स की डिटेल स्टडी नेक्स्ट लेक्चर से आएगी। तब तक के लिए अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।